दोस्तों, क्या आपको उस परंपरा के बारे में पता है जिसके तहत रशियन एस्ट्रोनॉट स्पेस मिशन पर जाने से पहले बस के पहियों पर पेशाब करते हैं? या फिर क्या आपको मालूम है कि हाथी सुनने के लिए अपने कानों का नहीं बल्कि बॉडी के एक ऐसे हिस्से का इस्तेमाल करते हैं जिसके बारे में सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे? अब ये सब कैसे होता है, इसे जानने के लिए भाई साहब आपको हमारे साथ वीडियो के बिल्कुल अंत तक इसी तरह बने रहना होगा। इसलिए बिना ज्यादा वक्त गंवाए चलिए शुरू करते हैं ये इंटरेस्टिंग वीडियो। दोस्तों, कमोडो ड्रैगन इस दुनिया में पाए जाने वाली सबसे बड़ी छिपकली है, जिसे आप मिनी डायनासोर भी कह सकते हैं, क्योंकि ये 10 फीट तक ग्रो करने वाली कमोडो ड्रैगन न सिर्फ खतरनाक है बल्कि 12 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चल भी सकते हैं। पर भाई साहब, अगर आपको फिर भी ये बड़ी सी छिपकली खतरनाक नहीं लग रही तो जरा इसके जहर पर नजर डालिए, क्योंकि इसके निचले जबड़े में 2 ग्लैंड मौजूद हैं जिनमें से कई सारे टॉक्सिक प्रोटीन निकलते हैं, जिसकी वजह से जब कभी भी ये किसी का शिकार करती हैं तो वो मीट बहुत ही जल्दी डिकम्पोज होने लगता है। और ये चीज आप साफ साफ देख सकते हैं कि कैसे जब इस मीट पर कमोडो ड्रैगन का जहर डाला गया तो ये डिकम्पोज होकर कुछ इस तरह बन गया। ऐसे में आप ये समझ गए होंगे कि कमोडो ड्रैगन का दांत भी लग जाए तो जान का खतरा हो सकता है, इसलिए आप इनसे दूर रहें तो आपकी भलाई है। दोस्तों, अब आपको पता चलेगा कैसे लॉजिक हर बार काम नहीं करता। हम सभी जानते हैं कि हाथी के बहुत बड़े बड़े कान होते हैं, और जाहिर सी बात है जब इनके कान बड़े होते हैं तो इनको सुनाई भी बहुत अच्छे से देता होगा। ऐसे में ये बात तो सच है कि हाथी को सुनाई अच्छे से देता है, लेकिन ये सुनने के लिए अपने कानों का नहीं अपने पैरों का इस्तेमाल करते हैं। और सिर्फ सुनने के लिए ही नहीं बल्कि एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने के लिए भी ये अपने पैरों का इस्तेमाल ही करते हैं, क्योंकि जब हाथी अपने पैरों को जमीन पर पटकते हैं तो एक फ्रीक्वेंसी निकलती है जिसे हम इंसान तो नहीं समझ सकते लेकिन हाथी जरूर समझ जाते हैं। इसलिए ये लोग आपस में जमीन पर पैर पटक कर बात करते हैं, जो कि वाकई में बहुत इंटरेस्टिंग है। दोस्तों, एक बात तो पक्की है, अगर इन स्टारफिश के पास कैमरा होता और सोशल मीडिया अकाउंट होता तो ये भी यहाँ हमारी पार्टी हो रही है वाला वीडियो बनाती, क्योंकि वाकई में ये लोग जमकर पार्टी कर रहे हैं। हाँ, वो बात अलग है कि यहाँ पर कोई रीयूनियन नहीं चल रहा है बल्कि बेबी सील की डेथ हो गई है, जिसके बाद पानी के इतनी गहराई में कोई भी बड़ा प्रेडेटर नहीं आए, इसलिए इन छोटे शिकारियों ने इस पर अपना कब्जा कर लिया। और आप खुद ही देख सकते हैं कि ये लोग कितने मजे से मिलकर पार्टी कर रहे हैं। पार्टी हो रही है। दोस्तों, जरा सोच कर देखिए, आपको अपने घर में तो रहना है लेकिन अपनी लोकेशन चेंज करनी है तो क्या होगा? हमें पता है आधे से ज्यादा लोगों को अपना घर छोड़ने में दिक्कत होती है, लेकिन अगर आप सैन फ्रांसिस्को में रहते हैं तो ये दिक्कत भी नहीं होती, क्योंकि कुछ दिमागदार लोग पुराने से पुराने घर को भी शिफ्ट कर सकते हैं, जैसे कि इस 139 साल पुराने विक्टोरियन हाउस को शिफ्ट किया जा रहा है। दोस्तों, घर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में पूरे 6 घंटे का वक्त लगा और इसमें पूरे $4,00,000 का खर्चा आया, तब जाकर घर का मालिक अपने पुराने घर में नई लोकेशन पर रहने का मजा उठा पाया। अब दोस्तों, जरा इस शानदार चीज पर भी अपनी नजर डालिए, जिसे देखकर थोड़ी देर तो आपको ये समझ ही नहीं आएगा कि आखिर ये है क्या। हम आपको बता दें, आज से कई सालों पहले 100 मिलियन से भी ज्यादा लैंडमाइन जमीन पर लगाई गई थी, जो कब किसको खतरा पहुंचा दे किसी को नहीं पता, और इसलिए 150 बंबू को मिलाकर इस बड़ी सी बॉल को तैयार किया गया है जो हवा के रुख के साथ अपने आप ही बढ़ती जाती है। ऐसे में इसका दबाव पड़ने के कारण जहाँ कहीं भी लैंडमाइन होता है वो विस्फोट हो जाता है और उस जगह से खतरा टल जाता है। दोस्तों, इस टेक्निक को आने वाले समय में हर एक जगह पर ट्राई किया जाएगा ताकि लैंडमाइन की वजह से कभी किसी की जान न जाए। हमारे फ्यूचर के लिए इंपॉर्टेंट रिसर्च करने वाले एस्ट्रोनॉट्स काफी समझदार होते हैं, लेकिन जब बात रशियन एस्ट्रोनॉट्स की आती है तो उनकी समझदारी 10 गुना और बढ़ जाती है। जी हाँ, तभी तो किसी भी स्पेस मिशन में जाने से पहले इन एस्ट्रोनॉट्स को लॉन्चिंग पैड तक ले जाने वाली बस के टायर के ऊपर ये लोग पेशाब करते हैं, क्योंकि इनका मानना है कि ऐसा करने से इनका मिशन सफल हो जाएगा। और ये परंपरा अभी की नहीं है बल्कि यूरी गगरिन के समय से चली आ रही है। असल में यूरी गगरिन ने कुछ ऐसा ही किया था, पर इन्होंने ये चीज बिना सोचे समझे की थी, तब से लेकर अब तक ये चीज परंपरा बन गई है। ऐसे में जो कोई भी पुरुष एस्ट्रोनॉट स्पेस मिशन में जाता है उसे बस के पहियों पर पेशाब करना ही होता है। दोस्तों, जब बात डॉल की आती है तो कुछ डॉल बहुत ही प्यारी लगती हैं, तो कुछ इतनी डरावनी कि अगर इन्हें अचानक से देख लिया जाए तो इंसान का पेशाब ही निकल जाए।
पर आपका इन डॉल्स के बारे में क्या ख्याल है जो बिल्कुल इंसानी बच्चों की तरह लगती है? जी हाँ, आप खुद ही देख लीजिए कैसे इन्हें देखकर कोई पहचान ही नहीं सकता कि एक डॉल है। और इन रियलिस्टिक डॉल्स के पैर हाथ मूव भी करते हैं। ऐसे में $1,000 के अंदर मिलने वाली डॉल का इस्तेमाल लोगों की हेल्थ ठीक करने के लिए किया जाता है, क्योंकि डॉक्टर्स का कहना है कि इन डॉल्स को अपने पास रखने से लोगों को अपनेपन का एहसास होता है, जिससे इनकी हेल्थ अच्छी रहती है। अगर आपके घर में कोई बिल्ली पाली हुई है तो आप ये बात अच्छे से जानते होंगे कि बिल्लियों को बॉक्स कुछ ज्यादा ही पसंद आते हैं। यहाँ तक कि बड़ी बिल्लियां भी कार्डबोर्ड बॉक्स के साथ खेलने से बाज नहीं आती, फिर चाहे टाइगर हो, लायन हो, लेपर्ड हो या फिर कोई और। ये सभी कार्डबोर्ड के बॉक्स के साथ ऐसे खेल रहे हैं मानो किसी छोटे बच्चे को रोबोट वाली गाड़ी दे दी गई हो। दोस्तों, रोबोट वाली गाड़ी से याद आया, आप में से किस किस ने बचपन में इस तरह की रोबोट वाली गाड़ियां चलाई है, और कौन कौन उनमें से है जिनके टाइम पर ये गाड़ियां थी भी नहीं? आपका जो भी जवाब हो फटाफट हमें कमेंट में लिख भेजिए। अब अपनी नजर जरा इस रिवर ईल पर डालिए, जिसने इस पक्षी के पेट में जाने के बाद भी जिंदगी जीने की उम्मीद नहीं छोड़ी। तभी तो इसने इस शिकारी बर्ड के शरीर में बने सीक्रेट होल को ढूंढ लिया और फिर चुपचाप यहां से 9-2-11 होने की तैयारी कर रहा है। अब इसके आगे की कोई तस्वीरें है ही नहीं, लेकिन हाँ, जितना हमने रिसर्च किया है उससे तो ये पता चलता है कि ये दोनों ही जीव सही सलामत बच गए। न ईल इस पक्षी का भोजन बना, ना ही उसे कोई नुकसान हुआ। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको अपने होस्ट और दोस्त सैम के इस वीडियो में काफी मजा आ रहा होगा। अगर हाँ तो भैया साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि फ्यूचर में हम ऐसे वीडियोस लाते रहें। ऐसे कई सारे दर्शक होंगे जिनसे अगर हम ये बोले हैं कि चिंपैंजी आपको माइंड गेम से हरा सकता है तो वो हंसने लगेंगे, क्योंकि हम इंसानों को तो लगता है हमारा दिमाग सबसे तेज है। पर भाई साहब जरा ठहर जाइए, क्योंकि इस टाइम आप जिस चिंपैंजी को देख रहे हैं ये अपने बाकी भाई बहनों की तरह समझदार है। तभी तो इसे 9 रैंडमली सेट की हुई डिजिट्स इतनी जल्दी याद हो जाती हैं जितनी जल्दी पढ़ा लिखा इंसान भी याद नहीं कर पाता। तभी तो चिंपैंजी ने इन सभी डिजिट्स को 0.67 सेकंड्स में सेट कर दिया। इस स्पीड को मैच करने की कोशिश तो कई लोगों ने की, लेकिन कोई भी चिंपैंजी को हरा नहीं पाया। अगर आप चाहे तो ट्राई कर सकते हैं, लेकिन चिंपैंजी से हारने के लिए तैयार रहना। अब मंगल ग्रह पर जाने की तैयारी तो जोरों शोरों से चल रही है, लेकिन वहां जाने से पहले ये देखना होगा कि वहां जिंदगी कैसे होगी। और इसी चीज को चेक करने के लिए 6 वॉलंटियर्स ने हवाई के एक वॉल्केनो पर रहने का फैसला किया, जहां पर ये बिना फ्रेश एयर और फ्रेश फूड के एक डोम के अंदर रहते हैं और ठीक वैसे ही जिंदगी गुजारते हैं जैसी मंगल ग्रह पर इनको मिल सकती है। यानी कि इनके पास ज्यादा रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन फिर भी लिमिटेड चीजों से ही अपने आप को सर्वाइव करके दिखाते हैं। यहाँ तक कि ये लोग बिना स्पेस सूट के रूम के बाहर निकल तक नहीं सकते। पर वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर ये लोग इस तरह से सर्वाइव कर गए तो लोगों को मंगल ग्रह पर पहुंचाने की उनकी मुहिम और ज्यादा बढ़िया तरीके से चलेगी। वीडियोज वगैरह में आप लोगों ने न्यूक्लियर बम को फटते हुए देखा होगा। क्या कभी आपने ये जानने की कोशिश की है कि आंखों के सामने नजारा किस तरह होता है? वैसे लाइव एक्सपीरियंस करने के लिए आपको अपनी जान को खतरे में डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो लोग न्यूक्लियर टेस्ट के पास में खड़े होकर इस टेस्ट को कर रहे थे, अगर उनकी बात माने तो नजारा बहुत ही ज्यादा खौफनाक होता है, जहां पर एक्सप्लोजन होते ही एक बहुत ही ब्राइट लाइट फ्लैश होती है। और जब ऐसा होता है तो ये लोग अपनी आंखों को अपने हाथों से ढक लेते हैं, पर फिर भी उन्हें लाइट की चमक महसूस होती है, और इसका झटका इतना तेज होता है कि काफी दूर खड़े इन लोगों का भी इन पर असर होता है, जिसकी वजह से कई लोगों को इंजरी हो जाती है और कई लोगों के हाथ पैर तक टूट जाते हैं। पर इसका असर यहीं पर खत्म नहीं होता, क्योंकि रेडिएशन की वजह से इनकी बाद की जिंदगी भी किसी नर्क से कम नहीं होती। तभी तो इन लोगों को और इनकी फैमिली मेंबर्स को काफी सारे हेल्थ इश्यूज देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो काफी पसंद आई होगी। बाकी आपका वीडियो के बारे में क्या कहना है हमें कमेंट करके बताइए, और इसी तरह की शानदार वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को अभी के अभी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।